good morning my dear students this is dr sakshi mittal welcomes you all in today's class i am teaching you unit 1 philip sidney of me first semester paper 1 part 1 literature in english 1550 to 1660 today we will do 5th sonnet from the sonnet sequence Astrophel and stella written by sir philip sidney फर्स्टली आई वांट टू टेल यू अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सोनेट सिडनी लिस्ट्स अ सीरीज ऑफ ट्रुथ्स सिडनी ने इस सोनेट में हमें थ्री या फोर यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताया है और लास्ट में उन यूनिवर्सल ट्रूथ से अपना एक ट्रुथ कि वो स्टेला को लव करते हैं और यू कैन से पैनल ऑफ डिवेरिक्स को लव करते हैं उसको उजागर किया है कहते हैं जितना सत्य इन सभी यूनिवर्सल ट्रूथ में है उतना ही सच मेरा प्यार जो है वो स्टेला के लिए है स्ट्रक्चर ऑफ दिस सोनेट इज़ नीदर पेट्रार्कन नॉर शेक्सपियरन राइम स्कीम इन द ऑक्टिव इज ए बी ए बी बी ए बी ए एंड द सेस्टेट इज मेड अप ऑफ अ क्वार्ट्रेन एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट राइम स्कीम ऑफ द सेस्टेट इज सी डी सी डी ई लेट्स बिगिन द पॉइंट इट इज़ मोस्ट ट्र्यू दैट आईज आर फॉर्म टू सर्व द इन लाइट एंड दैट द हेवलली पार्ट ओट टू बी किंग फ्रॉम हुज रूल्स हु डू सर्व रिबेल्स टू नेचर स्ट्राइव फॉर देयर ऑन स्मार्ट फिलिप सिडनी हमें बताते हैं इट इज़ मोस्ट ट्र्यू ये बात बिल्कुल सत्य है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सिडनी हमें इसमें सीरीज ऑफ ट्रुथ्स के बारे में बताएँगे तो क्या कहते हैं सिडनी ये बात बिल्कुल सही है आइज ऑफ अ मैन आर फॉर्म टू सर्व द इनर लाइट इन हिज बींग किसी की भी अंतरात्मा के बारे में उसके मन में क्या चल रहा है सभी बातें हमें उसकी आइज़ के थ्रू ही पता चलती हैं एंड डैट हैव पार्ट ओ टू बी किंग एंड दैट गॉडली लाइफ इज़ ट्रू लाइफ अकॉर्डिंग टू नेचर प्रकृति के अकॉर्डिंग जो गॉडली लाइफ है हेवलनी लाइफ है वही सच्ची लाइफ है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है यहाँ हेवलनी पार्ट रीजन को कहा गया है लॉजिकल थिंकिंग को कहा गया है कि भाई रीज़न का ही जो है हमारी आत्मा के ऊपर अधिकार होना चाहिए शासन होना चाहिए हु डू सर्व रिबेल्स टू नेचर क्योंकि रीज़न जो कि हेवलनी पार्ट है इज द किंग डेट फोर्स द रिबेल्स टू नेचर टू मैंट देअर वेज वो सभी लोग जो कि खुद को स्मार्ट समझ कर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं रीज़न ही वो हैवलनी पार्ट है जो कि उनके रास्तों को मैंट करता है बदलाव लाता है चेंज करता है यही बात यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आँखों से ही हमें किसी की इनर लाइट के बारे में पता चलता है और रीज़न जो है वही हमारा मेन हेवलनी पार्ट है उसी का ही हमारे शरीर पर शासन होना चाहिए और वही हमारे वेज जो हैं जब भटक जाते हैं हम जब हम नेचर के खिलाफ जाते हैं तो हमारे रास्तों को सुधारने का काम भी हमारी लॉजिकल थिंकिंग ही करती है इट इज़ मोस्ट र्यू वट वी कॉल्ड क्यूपिड्स डार्ट एन इमेज इज़ Which for ourselves we carve, and fools adore in temple of our heart, till that good God make church and churchmen stow. It is most true. Again, हमें सेकंड पॉइंट पर दूसरा सत्य क्या है? फिरीप सिड ने बताते हैं कि भाई दूसरा सत्य ये है, lovers have only themselves to blame for scumbling to the Cupid's arrow. क्या है देखिए दूसरा सत्य कि जिसे हम क्यूपिड का डार्ट कहते हैं भाई क्यूपिड ने अपने तीर चलाए और उन तीरों की वजह से हमें किसी से प्यार हो गया मैन स्ट्रक विद द एरोज ऑफ द लव गॉड क्यूपिड क्यूपिड प्यार का देवता है मैन मोस्टली ह्यूमन बींग्स क्या कहते हैं कि भी हमें लव तब हुआ जब प्यार के देवता क्यूपिड ने अपने बांध चलाए सफ़र द मोस्ट वो ही सबसे ज़्यादा सफरर रहते हैं दे इनफैक्ट seek misery and misfortunes for themselves by falling in love with some women. ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि हम खुद अपने लिए misery, misfortune लाते हैं जब हम किसी भी women के love में पड़ जाती हैं और हम फिर क्या कहलाते हैं? मूरख कहलाते हैं। It is sheer foolishness on our part to carve an image of some lady in our heart. हम क्या करते हैं किसी एक लेडी की जिसको हम अपना दिल दे बैठे हैं जिससे प्यार कर बैठे हैं उसकी इमेज अपने मन में बसा लेते हैं एंड एडोर इट टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ आर लाइफ और उसको अपने दिल रूपी मंदिर में तब तक सजाए रखते हैं जब तक जैसे भगवान की मूर्ति चर्च में है चर्च मैन उनकी पूजा कर रहे हैं उसी तरह से उस लेडी को हम अपने मन में तब तक बसाए रखते हैं जब तक कि हमारी ज़िंदगी का लास्ट मोमेंट नहीं आ जाता और हम क्या कहते हैं कि भाई ये सब तो क्यूपिड के द्वारा चलाए हुए एरोस के कारण हुआ है तो सेकेंड प्लेस पर यह बात भी उतनी ही यूनिवर्सल तो है जितनी हमने फर्स्ट की थी ट्रू डेट ट्रू ब्यूटी वर्चू इज आईडी वेयर ऑफ दिस ब्यूटी कैन बी बट अ शेड विच एलिमेंट्स विद मॉर्टल मिक्सचर ब्रीड थर्ड प्लेस पे क्या बताते हैं ट्रू डेट ट्रू यह बात बिल्कुल सत्य है सत्य है क्या सत्य है वर्च्यू इज़ ब्यूटी इन इट्स ट्रू फॉर्म सुंदरता क्या है वर्चू है रादर देन सुपरफिशियल अपीरियंस डेट इज यूजली रिगार्डेड एज ब्यूटी कहते हैं कि फिजिकल अपीरियंस को ही ब्यूटी की उपमा दी जाती है लेकिन ट्रुथ क्या है ट्रुथ ये है कि हमारे गुण ही हमारी सुंदरता है कहते हैं कि गुण ही हमारी सुंदरता है फिजिकल ब्यूटी क्या है इज मेयर अ शेडो ऑफ आइडियल ब्यूटी ये तो सिर्फ हमारी मन की सुंदरता की एक परछाई है फिजिकल ब्यूटी इज प्रोड्यूस्ड बाय फोर एलिमेंट्स अर्थ एयर फायर एंड वाटर विच मेकअप बोथ माइक्रोकोस एंड माइक्रोकोस मैन ऑन अर्थ मस्ट एस्पायर टू सीक हैवलनी यू कैन सी और आइडियल वर्चू की धरती पर मनुष्य का जन्म सिर्फ और सिर्फ अपने गुणों का विकास करने के लिए ही हुआ है बाहरी सुंदरता तो सिर्फ इन गुणों की एक छाया की तरह ही है और हम मोर्टल नश्वर हैं मरने के बाद हमारा शरीर जिन चार एलिमेंट से मिलकर बना है उन्हीं में ही समा जाएगा जितना सत्य ये है उतना ही सत्य ये है कि मैं भी स्टेला से प्यार करता हूँ इस तरह से अब तक फिलिप सिडनी ने हमें तीन यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताया है ट्रू डेट ऑन अर्थ वी आर बट विलग्रीम्स मेड एंड शुड इन सोल अप टू आर कंट्री मूव ट्रू एंड ये ट्रू डैट आई मस्ट स्टेला लव Final truth here is that people are only pilgrims on this earth, who should concentrate on their souls, even though he recognizes all the truth in his statements. kya kehte hain philip सिडनी? Earth is not our real home. We are only pilgrims, जैसे एक तीर्थयात्री, कहीं पर भी तीर्थयात्रा के लिए गया वहाँ पर अपना काम पूरा करके पूजा करके वो वापस लौट आता है उसी तरह से अर्थ जो है वो हमारा रियल होम नहीं है हम सब पृथ्वी पर पिलग्रिम्स की तरह हैं अ रियल होम इज़ हेवन वेयर वी शुड एस्पायर टू गो आफ्टर आवर अर्थली लाइफ धरती पर जो हमारा जीवन है उसको कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा अपने रियल होम हेवन में चले जाएंगे ये चौथी सच्चाई है जो कि किसने बताई है फिलिप सिडनी ने और ये सारी की सारी बातें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं इन्हें नकारा नहीं जा सकता ऑल दीज आर द यूनिवर्सल ट्रुथ कि हमारी आइज़ इनवर्ड लाइट हमारी रिफ्लेक्ट करती है क्यूपिड जो है जब वो एरो छोड़ता है तो हमें लव हो जाता है और वो लव हमारे लिए मिजरी मिसफॉर्च्यून्स लेकर आता है फिजिकल ब्यूटी की कोई वैल्यू नहीं है इंटरनल ब्यूटी हमारे वर्चुज़ की ही वैल्यू है हम इस धरती पर पिलग्रिम्स की तरह हैं हमारा काम यहाँ पूरा होने के बाद हम अपनी रियल होम हेवन में चले जाएंगे ये चारों के चारों सत्य उतने ही सत्य हैं येट एंड येट ट्रू डेट I must tell Stella love. In the same way, it is also true that I must love Stella. क्या conclude करते हैं Philip Sidney कि मुझे जो है Stella से प्यार करना चाहिए His love for Stella is truth for him, even though all of other truths contradict it. यद्यपि जो चारों के चारों उन्होंने truth बताए हैं वो इस truth को फ़ॉलो नहीं करते वो कॉन्ट्राडिक्शन में है लेकिन फ़िलिप सिडनी क्या कहते हैं कि मैं तो स्टेला से प्यार करता हूँ और ये बात भी उतनी ही सत्य है बिकॉज ही इज़ अनेबल टू सेपरेट हिज रैशनल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द लव इन हिज हार्ट फॉर स्टेला आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट वेरी वेल कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू